हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लेके आऊँगा एक और नई कस्टम रोम फॉर रेडमी 4X सेंटोनी। ये हमारी पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है, यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम एंड्रॉयड 10 के साथ। ये आप देखते हैं रेडमी 4 के लिए, ये एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 मिलेगा देखने के लिए। एंड्रॉयड वर्जन 10 यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट पैच देके आऊँगा आपके लिए। 5 जून का पैच मिल जाएगा आपको और बिल्ड भी बिल्कुल लेटेस्ट है ये। 1 सितंबर का यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट मिलेगा आपको देखने के। कर्नल आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा कर्नल इंस्टॉल्ड है इसमें। बिल्ड आईडी ये आपको पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस सेंटोनी 10.0 2020 का। यहाँ पे 15 जून का यहाँ पे पैच में आपको बिल्ड मिलेगा देखने के लिए। अनऑफिशियल है ये। ऑल डाउनलोड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। यहाँ से मैं वाईफाई की बात करूँ, बैटरी की बात करूँ, यहाँ पे मुझे बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया लगा इसका, इस रोम का, पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम का बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप था इस वाली रोम में। मैं आपको बता दूंगा कितना आपको मिला था। यहाँ पे वाईफाई चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे वाईफाई बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे वाईफाई में। मैंने हॉटस्पॉट भी बिल्कुल ओके वर्किंग है, कोई रिस्टार्ट नहीं है हॉटस्पॉट में। मैंने हॉटस्पॉट और इंटरनेट दोनों यूज़ करे थे यहाँ पे, हॉटस्पॉट और इंटरनेट दोनों यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। यहाँ पे जियो मैंने भी इंस्टॉल कर रखा है, BSNL भी इंस्टॉल कर रखा है, दोनों वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में। यहाँ बैटरी की बात करूँ, यहाँ पे मुझे बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया मिला इस वाली रोम में, कसम से इस वाली पिक्सल एक्सपीरियंस सिंपल वाले से भी बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप मिला इसमें। यहाँ से अगर बैटरी यूसेज अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हो, 21 आवर अगो इतना था मेरा, मैंने यहाँ पे बंद कर, यहाँ पे स्विच ऑफ हुआ था मेरा डिवाइस। यहाँ पे भी डिटेल नहीं दिखा रहा ये, तो फुल मतलब मेरा हॉटस्पॉट ऑन था और नेट ऑन था, 18 आवर्स चला यहाँ पे हॉटस्पॉट और नेट में। मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर रखा था और यहाँ पे मेरा नेटवर्क ऑन था इसका। मैं हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ ना इस डिवाइस का, दूसरे डिवाइस में, तो उसका बैटरी बैकअप आपको इतना मिल गया 18 आवर्स का, ये बहुत बढ़िया बात लगी। कोई भी रोम नहीं दे पाई इतना बैटरी बैकअप जितना इस रोम ने दिया है बैटरी बैकअप। यहाँ पे आपको डार्क थीम मिल जाएगी देखने के लिए, आप देख सकते हो डार्क थीम में प्योर ब्लैक है। यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे हमारे नेविगेशन बार नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर बटन है या वो गेस्चर्स होना है ना, तो इस वजह से चल नहीं रहे हैं वो। मैं चेक कर लूँगा अगर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ से सब कुछ ओके वर्किंग है, यहाँ पे नाइट लाइट सब कुछ ओके वर्किंग है। यहाँ पे आपको ऑलवेज लॉक स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी आपको देखने लगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो, 3 354 हो रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। बस ये थोड़ा बैटरी बैकअप ज़्यादा पीगी, यहाँ पे बैटरी ज़्यादा पीगी तो देख लेना इसका, बैटरी लो हो जाएगा फिर इससे बैटरी बैकअप। तो सारी सारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है। यहाँ पे साउंड चेक कर लेते हैं कितना लाउड है साउंड, यहाँ पे साउंड काफ़ी लाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइब्रेशन भी बिल्कुल ओके वर्क करती है यहाँ पे, इसमें सब कुछ ओके वर्क है यहाँ पे। और इसमें एक्सटर्नल माइक का मैं कह नहीं सकता कुछ यहाँ पे, व्हाट्सएप में जो आपको पहले बग मिला था उसका साउंड बिल्कुल ओके वर्किंग है, टच साउंड बिल्कुल ओके वर्किंग है। सिक्योरिटी में चलते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा देखने के लिए, फेस अनलॉक नहीं मिलता इसमें अभी भी, फेस अनलॉक ऐड कर देना चाहिए हमको वैसे। चलिए यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा हमारा फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। फास्ट स्पीड भी देखने हैं कितना फास्ट है हमारा फिंगरप्रिंट, लग तो इजिली गया है यहाँ पे। चलिए स्पीड देख लेते हैं, ये मैंने टैप करा ओपन हो गया, स्पीड भी काफ़ी ठीक है इसकी, बाकी और एंड्रॉयड 10 के कस्टम रोम से काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। याद देख दो यहाँ पे टैप हुआ, अभी नहीं हुआ, टैप खुल गया, टैप ओपन हो गया। यहाँ पे थोड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड जो हमारी MIUI की स्पीड होती है, मतलब जो हमारी MIUI की फिंगरप्रिंट की स्पीड होती है उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो आया। स्टॉक रोम की थोड़ी सी कमी होती है स्पीड, या कुछ स्मार्ट लॉक मिल जाएगा देखने के लिए इस अंदर। वही फेस अनलॉक तो हटा ही दिया गूगल ने, अब तो पहले से हटा दिया था। यहाँ से आप गेस्चर चेक करते हैं, गेस्चर आपको मिल जाएंगे, आपको 2 बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे हार्डवेयर बटन नहीं चल रहे हैं इसमें, ये बग है, यहाँ पे हार्डवेयर बटन नहीं चल रहे हैं, आप डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं, आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे। हार्डवेयर बटन नहीं चल रहे इसमें, मैंने चेक कर लिया है यहाँ पे, हार्डवेयर बटन का ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। स्टेटस बार में आपको यहाँ पे सिस्टम क्लॉक पोजीशन आपको सेंटर मिल जाएगी देखने के लिए, शो सेकंड मिल जाएगा आपको, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग मिल जाएगा आपको देखने के लिए, डिसेबल स्टेटस बार आपको मिल जाएगा देखने के लिए, वो तो हाइड कर सकते हो आप। बैटरी परसेंटेज हिडन लेफ्ट इन साइड आउटसाइड मिल जाएगा आपको देखने के लिए 20%। अभी बैटरी स्लाइडर ऑटो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कंट्रोल, क्विक कूल डाउन मिल जाएगा आपको देखने के लिए, कॉलम या आप एडजस्ट कर सकते हो, रो लैंडस्केप में कितनी आपको चाहिए, बिल्कुल ओके वर्क कर रही है ये। स्टाइल आपको यहाँ पे फ्लिप रोटेट मिल जाएगा यहाँ पे, ये ज़्यादा फ्लिप आप देख सकते हो, ये आपको स्टाइल मिल जाएगा देखने के लिए। जी यहाँ से रोटेट भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ को रोटेट मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हो रोटेट हो रहा है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ऑन होने में, बाकी आप देख सकते हो ड्यूरेशन फास्ट भी कर सकते हो आप इसकी, वाइब्रेशन ऑन टच है यहाँ पे, आप जब ये ओपन करोगे
जैसे वाइब्रेशन फील हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइब्रेशन में। शाओमी एड ऑन मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए आपको, यहाँ पे देख लेते हैं ये, बाकी चेंज नहीं कर रहे वाइब्रेटर वाइब्रेटर का कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये ऑन कर लेते हैं, यहाँ से रेड कलर आपको सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे ग्रीन, ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेट हो रहे हैं इजीली, आप सेट कर सकते हैं। ऑन बूट सेट ऑन द बूट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ये कलर आपको सेट ऑन द बूट भी हो जाएगा जब आप बूट करोगे अपना डिवाइस। और भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से आपको वर्जन, ये आप देख सकते हो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कूल वाम मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ऑन करना पड़ेगा आपको पहले। वाम एमोलेड वर्जन 3, वॉल्यूम आप देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये आप देख सकते हो। बैलेंस आप यहाँ पे कर सकते हो, परफॉर्मेंस चाहिए आपको, गेमिंग चाहिए यहाँ पे, बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए इसमें, आप बैटरी कर सकते हो। बैलेंस अभी तो ये परफॉर्मेंस भी ठीक मिलेगी आपको, बैटरी बैकअप भी ठीक मिलेगा, और बैकअप आपको पूरी बैटरी चाहिए तो आप बैटरी बैकअप कर सकते हो, और ज़्यादा बैटरी बैकअप हो जाएगा यहाँ से। फास्ट चार्ज भी अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे लाइट भी चेक कर लेते हैं, हमारी नोटिफिकेशन लाइट वर्क करती नहीं करती चार्जिंग के टाइम, ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन टाइम तो वर्क कर रही है, आप देख सकते हो मैंने लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे लाइट चल चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग है, यहाँ पे कोई ऑफ नहीं है लाइट, जब आप ऑन करोगे डिवाइस तब भी इजली वर्क कर रही है, बस में एक ही लाइट है, येलो लाइट मिलेगी बस। स्टोरेज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्री, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फाइल हमारी 1 GB की, 1 GB माइनस कर देंगे इसमें से, ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ से 25.5 GB आपके आसपास मिल जाएगी आपको देखने के लिए इसमें स्टोरेज फ्री। अकाउंट आपको इसमें पहले से ही मिलेगा, आपको अलग से फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हो। आपको कुछ ऐप्स मिलेंगे देखने के लिए, आपने पिक्सल एक्सपीरियंस के ऐप्स हैं, मीको स्टॉक एंड्रॉइड है हमारा, तो आप इंजॉय कर सकते हो, गेमिंग इसकी बहुत बेस्ट आती है, सली रोम में गेमिंग एंड्रॉइड 10 के हिसाब से, एंड्रॉइड 10 के और रोम्स के हिसाब से इसमें बेस्ट आती है गेमिंग, मुझे बहुत बढ़िया लगती है अली रोम, तो आप अपना अपने हिसाब से आप देख सकते हो आपको कौन सी रोम इंस्टॉल करनी है। ये आप यहाँ पे एंटू का स्कोर देख सकते हैं 705.98, यहाँ पे आपको स्कोर मेरा डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पे CPU आपको 30514 मिल जाएगा देखने के लिए, GPU में 1 GB में 8000 भी था, पता नहीं कौन सी रोम में था, मैं चेक कर लूँगा कौन सी रोम में था, 8000 स्कोर। यहाँ से मेमोरी आपको इतना मिल जाएगा 21691 जो भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे UX आपको यहाँ पे US प्रोसेसिंग डाटा डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, इमेज प्रोसेसिंग स्पीड, यूजर प्रोसेसिंग, यहाँ पे हमारा 5 डिग्री तक इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ यहाँ पे टेम्परेचर, इस वाली रोम में क्यों अब नए अपडेट में टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और 4% बैटरी ड्रॉप हुई है यहाँ पे। ठीक है, आइडल में तो मुझे बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप मिला था, और गेमिंग में 3D में मुझे 4% का ड्रॉप मिल गया यहाँ पे बैटरी बैकअप का, या आज गर्मी ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा हीट हो रहा हो डिवाइस। यहाँ 45 तक गए, यहाँ पे 45 डिग्री तक देख सकते हो आप, यहाँ पे ज़्यादा ही चला गया यहाँ पे, इतना हमारी GSI रोम में भी नहीं गया था, और बैटरी बैकअप तो बढ़िया मिला था मेरे को देखने के लिए इसमें।